राजधानी में जब से करोड़ों के घोटालों के आरोपी आबकारी अधिकारी संजीव दुबे की पदस्थापना की गई है, तब से राजधानी सहित आसपास के जिलों में अवैध शराब का काला कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्षों से जमे अधिकारी शराब माफियाओं के जरिए अवैध शराब की बिक्री करवाकर सरकार के खजाने पर डांका डाल रहे हैं। उपचुनाव के चलते सांची में पकड़ाया 70 लाख की अवैध शराब के ट्रक ने कई अधिकारियों की कलई खोल दी है। भोपाल से रात में शराब लेकर जा रहे ट्रक गांधीनगर सहित भोपाल और रायसेन के 5 थानों के सामने से होता हुआ सांची कैसे पहुंच गया, इस मामले में गांधीनगर शराब गोदाम प्रभारी हुकुम सिंह भदौरिया, आबकारी कंट्रोलर राजेंद्र जैन, डिप्टी कंट्रोलर अतुल दुबे, प्रीति चौबे, शराब तस्कर किशन आशुतानी, टिग्राम कंपनी के प्रशांत त्रिपाठी, प्रशांत कुशवाहा और ओपी जामोद की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। आबकारी अधिकारी संजीव दुबे ने इस मामले में लीपापोती करते हुए आबकारी उपनिरीक्षक चंदर सिंह को सस्पेंड कर कई वरिष्ठ अधिकारियों को बचा लिया है। इस मामले में विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने सख्ती बरतते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग भी शिकायत मिलने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। गौरतलब है कि राजधानी में शराब पकड़ने के लिए बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इसके बाद भी चोरी छिपे शराब तस्करी का खुलेआम खेल चल रहा है।